सो हेलो गाइस एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दी एजुटेरियन। और बहुत दिनों से बातें चर्चा में चल रही थी, सिलेबस घटाना चाहिए। तो CBSE वालों ने उन सबकी बात सुन ली और यूपी बोर्ड करना ही क्या, उधर से बात सुनी, इधर से कर दिया, उसने भी सुना सुनी में कर दिया। अब कुछ दिन पहले उन्होंने घोषणा की थी हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने कि कुछ दिनों में सिलेबस कम करके आपको दे दिया जाएगा। तो आज वही दिन है जिस दिन सिलेबस कम कर दिया गया और दे दिया। तो हम लोग बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि और किसी के देखें तो आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी पांचों की ब्रीफ सिलेबस 1-2-3 दिन में अपलोड हो जाएगी चैनल पे, तो आप समझ रहे हैं क्या करके रखना है। तो चलिए देखते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, गणित के सिलेबस में कुछ बहुत मस्त बातें फुल लास्ट में देखेंगे, तो चलिए शुरू करते देखते। सबसे पहले खोलेंगे हम लोग UPMSP की वेबसाइट। खुल गई। खुलने के बाद क्या करेंगे, नीचे आएंगे और नीचे जैसे ही आएंगे सत्र 2021-2022 हेतु 9-10-11-12 के 30% संक्षिप्त किए गए पाठ्यक्रम, जिस क्लास का देखना है आप देख लीजिए। मैं सबकी लिंक PDF की डिस्क्रिप्शन दे दूँ, क्योंकि यहाँ से डाउनलोड करने में पता नहीं कितना समय लग रहा, अभी तक वो गोल गोल घूम रहा है। तो चलिए हम लोग क्लास 12 की बात करते हैं। क्लास 12 में सबसे पहले जो PCM वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए हिंदी तो होता नहीं है, तो क्या होता है उन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए होता है सामान्य हिंदी। जनरल हिंदी पढ़ते PCM वाले, तो जनरल हिंदी में देखते क्या क्या सिलेबस इन्होंने हटा दिया गया है। गद्य की बात करें तो रॉबर्ट नर्सिंग होम एक आपकी गद्य में है चैप्टर, वो हटाया गया है। हरिशंकर पारसाई का निंदा रस भी हटा दिया गया है, दो चैप्टर गद्य से हटाए गए हैं। अब पद्य की बात करें, काव्य में कौन कौन सी गाना हटाया गया है, तो मैथिली शरण गुप्त का गीत हटा दिए हैं, जयशंकर प्रसाद का भी गीत हटा दिए, सुमित्रा नंदन पंत का परिवर्तन भी हटा दिए, और रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी पुनर्वा सब हटा दिए। तो ये हटा दिए हैं गद्य पद में, तो आपका सिलेबस हो गया छोटा, तो आपको पढ़ने में लगे कम मेहनत। वैसे भी पढ़ना तो इम्पोर्टेंट रहता है हिंदी इंग्लिश में, एक एक चैप्टर हमें पता है, मोस्ट ऑफ लोग यही करेंगे लास्ट में फिर से। उसके बाद कहानी भी थी हम लोग पास, कहानी में क्या क्या हटाया गया है, एक शिवानी और एक लाठी, दो कहानी हटा दी गई है। कौन कौन से, शिवानी और लाठी, दोनों कहानी हटा दी गई है। तो उसके बाद संस्कृत से भी हमारा एक चैप्टर हटा दिया गया, कौन सा हटाया गया, जातक का था, जो कि मस्त चैप्टर था। छत है क्यों, वो अपने को ये सब थोड़ी ना देखना है। उसके बाद देखते क्या क्या सिलेबस है, तो ये सब हटाने के बाद जितना बचा पिछले साल का वही सब है, तो ये सब देखेंगे ना, ये सब हम लोग आने वाले वीडियो में डिस्क्राइब करके देखेंगे ब्रीफली। हिंदी देख ली, उसके बाद नंबर आता है किसका, इंग्लिश का, तो इंग्लिश तक पहुंचते हैं हम लोग जल्दी से। तो ये आ चुका है हमारा इंग्लिश का सिलेबस, और इसमें देखते हैं इन्होंने क्या क्या हटाया। तो सबसे पहली चीज, प्रोज में इन्होंने दो चैप्टर हटाए, 6-7 चैप्टर थे जिसमें से आखिरी वाला बकवास था, बचा कुछ स्टार्टिंग का 5-6 जिसमें से दो हटा दिए, अब 3-4 बचा, वो भी उसमें भी आखिरी में लोग इम्पोर्टेंट पढ़ के जाएंगे, तो वही बात है, पहले दो चैप्टर पढ़ के जाते हैं, कभी एक ही पढ़ के जाएंगे। तो दो चैप्टर हटा दिया गया, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर जो कि अच्छा चैप्टर था, और आई एम जॉन सर्ट ये भी सही चैप्टर था, तो ये दो चैप्टर प्रोज से हटा दिए गए। और पोइट्री में फ्रॉम एन एलिजी इन कंट्री चर्चयार्ड ये पोएम हटा दी गई, लाभ बेले डेम सेंस मर्सी हर साल की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोयम ये भी हटा दी गई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोई हटा दी, और स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, तो 10 चैप्टर में से 3 चैप्टर हटा दिए गए। और शॉर्ट स्टोरी में से द स्पेशल एक्सपीरियंस, ये चैप्टर इतना स्पेशल है कि कोई पढ़ता ही नहीं है, तो ये भी चैप्टर हटा दिया गया। और सबसे खुशी की बात, मर्चेंट ऑफ वेनिस पूरा हट गया, जो 4 क्वेश्चन पढ़ के जाओ उसमें से 2 आ जाता था, तो वो वाला सिस्टम खत्म, अब पढ़ो ही मत। तो इसको कुछ लोग कह सकते हैं अच्छी बात भी है, कुछ लोग कह सकते हैं बेकार बात भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है क्यों। अब उसके बाद
ये सब चीज़ें हटा दी गई हैं, बाकी आपका बचा हुआ सिलेबस है जिसको हम लोग आगे वीडियो में कवर करेंगे। अब हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आएगा हमारा फिजिक्स। तो फिजिक्स तक पहुँचते हैं, तो फिजिक्स आ चुका है हम लोगों के सामने। और फिजिक्स में दो पार्ट होती है, रिटन और प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल की बात हम लोग नहीं करेंगे, वैसे भी स्कूल वाले अपने मनी से करवाते हैं और नंबर भी प्राइवेट वाले तो अपने मन से ही देते हैं, जितना मन किया जितना पैसा मिला। तो देखते हैं क्या क्या हटाया गया है। सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युतकी में से क्या क्या हटाया गया है। एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के भीतर बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। अरे वो स्फेयर होता था खाली वाला, उसके अगल बगल विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते, तो वही हटा दिए। ठीक ही था, मतलब नहीं हार्ड था, आसान आसानी तो हटाएंगे, हार्ड थोड़ी ना हटाएंगे। कार्बन प्रतिरोधक के लिए वर्ण कोट, ये थोड़ा सा याद करने वाला था। और प्रतिरोधक प्रतिरोधकों का श्रेणी तथा तो पार्श्वक्रम संयोजन, करंट इलेक्ट्रिसिटी से हटा दिए। ये भी संयोजन वाला तो ईजी पड़ता है क्योंकि नर्सरी से पढ़ते हुए आ रहे हैं रेजिस्टेंस वाले को लेकर के। उसके बाद अगला है विद्युत धारा, मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिज्म में से क्या क्या हटाया गया है। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंबवत क्षेत्र तीव्रता, डेरिवेशन थी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण चुंबकीय अवयव अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय लौह चुंबकीय पदार्थ उदाहरण सहित। तो ये टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला टाइप चीज हटा दिया गया है। और विद्युत चुंबक इनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक और स्थायी चुंबक यानी कि मैग्नेटिज्म में से मैग्नेट ही हटा दिए हैं। देखना तेजी, पता नहीं क्या क्या, वो तो अभी अगली वीडियो में देखेंगे ना, फिजिक्स की जो सिलेबस कहेगी उसमें समझ में आएगा क्या क्या बचा हुआ है। लग रहा है सब खत्म ही होगी। ये सब चीज़ें हटाई गई हैं तीसरे चैप्टर तीसरे यूनिट से। अगला ईएमआई और एसिस के हटाए, शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा। वाटहीन धारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था किसी जमाने में, जो कि इस साल नहीं रहेगा। अब अगली यूनिट देखते हैं ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें से क्या क्या हटाया है इन्होंने। विस्थापन धारा की आवश्यकता, डिस्प्लेसमेंट करंट, ये भी इम्पॉर्टेंट ही माना जाता तो ये हटा दिया गया है। अब सेक्शन टू जो इसका आता है जिसमें ऑप्टिक्स के बारे में बात करते हैं, उसमें क्या क्या रखा गया, क्या क्या हटाया गया। प्रकाशिकी लाइट वाले में गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का परावर्तन, प्रकीर्णन, सूर्योदय, सूर्यास्त के समय, आकाश का रक्ताप, और ये सब सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शकों की विभेदन क्षमता, यानी कुल मिला के जो हाई स्कूल का सिलेबस था सब हट गया। इंटर का इंटरिम रख देंगे। ध्रुवण, समतल, ध्रुवित प्रकाश, ब्रस्तर का नियम, समतल ध्रुवित, बहुत सारी चीज़ें सब हटाई गई हैं क्या? तो इतनी सारी चीज़ें हटाई गई हैं। उसके बाद हमारी आती है यूनिट टू, मतलब सेक्शन टू का यूनिट टू, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। इसमें से डेविसन तथा जर्मर प्रयोग पढ़ाया नहीं जाता, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। सीबीएसई में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपी बोर्ड में तो अभी तक तो नहीं था, उसे कई वजह से हटा दी। अब जो इम्पोर्टेंट नहीं था वो भी हटा दिया, जो इम्पोर्टेंट था वो भी हटा दिया, तो बच्चा क्या यार। उसके बाद एटम एंड न्यूक्लियाई देखते हैं, रेडियो एक्टिविटी हटा दी, अल्फा बीटा गामा किरणों और इनके गुण, आसान आसान हट गया। रेडियो एक्टिविटी क्षण नियम, ये भी आसान हट गया। ये सब द्रव्यमान संख्याओं के साथ इनमें परिवर्तन, ये भी हटा दिया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसमें जेनर डायोड जो कि स्कूल वाले समझाते थे दिमाग लगा के, मतलब ये थोड़ा सा मेहनत वाला चीज़ था तो इसलिए हटा दूँ कि मेहनत ना करें इस बार बच्चे, इस बार आराम से सोएं, तो जनरल डायोड भी हट गया। उसके बाद प्रयोग हटा दिए, अगर आपको पढ़ने की इच्छा हो तो पॉज करके पढ़ लीजिए क्योंकि हमारी बताने की इच्छा ही नहीं होती। तो ये सब चीज़ें हटा देंगे। अब क्या क्या है ये तो आने वाली वीडियो में देखेंगे। हो गया फिजिक्स, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट चीज़ क्या, केमिस्ट्री आता है इसके बाद, तो केमिस्ट्री देखते हैं। ये आगे हमारी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में से ठोस अवस्था पहला चैप्टर, विद्युत चुंबकीय गुण, धातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक, अर्धचालक, कुचालक एवं एन पी प्रकार के अर्धचालक, यानी जो ठोस अवस्था का लास्ट का जो पार्ट होता था मतलब बुक का, वो हटा दिया गया, यानी कि लास्ट की दो चार हेडिंगें हटा दी गई हैं। स्टार्टिंग का सब है जो आसान आसान है, इसी में बैंड सिद्धांत में समझाने वाला था, बाकी अर्धचालक ये सब में याद करने समझाने दौड़ा था तो हटा दिए। तो इसके बाद अगला चैप्टर जो विलयन में, असमान आणविक द्रव्यमान हटा दिया गया और बॉन्ड ऑफ फैक्टर भी अपना हटा दिया गया, ये भी अच्छी चीज़ थी।
समझ में आ गया तो मजा आ गया था, अब है ही नहीं तो समझ में नहीं आएगा, मजा भी नहीं आएगा फिर। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा जिसको कॉम्पिटेटिव की तैयारी करनी, क्योंकि कॉम्पिटेटिव वाले का कोई मूड नहीं है अभी तक सिलेबस घटाने का, होगा तो देखा जाएगा। उसके बाद अगला आता है विद्युत रसायन, उसमें क्या क्या आता है, विद्युत अपघटन के नियम स्टार्टिंग वाला जो था। अब विद्युत अपघटनी सेल, गैल्वनी सेल और शीशा संचायक सेल, और मतलब टाइप्स ऑफ सेल सब हटा दिए और संचारण हटा दिए। उसके बाद अगला रासायनिक बल गतिकी, इसमें संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा स्टार्टिंग में था, और सक्रियण ऊर्जा आर्हेनियस समीकरण, जो कि अच्छा समीकरण था, सबको देख के मजा जाती थी, वैसा समीकरण हटा दिया गया। उसके बाद पृष्ठ रसायन में क्या क्या हटा दिया गया वो देखते हैं। समांगी विषमांगी उत्प्रेरक आसान सतह स्पेशल हटा दिए, सक्रियता चयनात्मक ये भी हटा दिए, एंजाइम आसान था, उत्प्रेरण पायसो के प्रकार ये भी ठीक था। उसके बाद तत्वों के निष्कर्षण, अगला यूनिट में क्या क्या इन्होंने हटाया, निष्कर्षण के सिद्धांत, सांद्रण ऑक्सीकरण, अपचयन, विद्युत अपघटनी विधि, शोधन, एल्युमिनियम कॉपर जिंक और आयरन उपलब्धता एवं निष्कर्षण के सिद्धांत सब हटा ही दिए क्या इन्होंने, देखते हैं सब हटाए नहीं। उसके बाद पी ब्लॉक में वर्ग 15 के तत्व इन्होंने हटा दिए और 16 के हटा दिए, यानी आपको केवल 17 और 18 का पढ़ना है। इसमें से सल्फ्यूरिक अम्ल का जो जो था वो हटा दिए, बेसिक प्रॉपर्टीज 15-16 के पढ़ने में, बाकी कुछ नहीं। डी और एफ में ये मेन जो कंपाउंड था उसका विघटन हटा दिए गुणधर्म और क्या। उसके बाद अगला कोऑर्डिनेट, कंपाउंड में भी बहुत सारी चीज़ें हटाएं, संरचना प्रिबिंब समावयवता यानी आइसोमेरिज्म, धातुओं के निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण, जैविक निकायों में महत्व, ये सब हटाया गया। उसके बाद हेलो एल्केन हेलो एरिन में ये सब चीज़ें हटाई गई जो पिछले साल लग रहा था हटाई गई लेकिन नहीं हटाई गई थी, फिर इस बार हटा दी गई ताकि कन्फर्म हो जाए हटा दें। और एल्कोहल फिनॉल ईथर में मेथनॉल इथेनॉल के उपयोग हटा दिए गए, सबको पता है इथेनॉल का उपयोग, वो हटा दिए, क्या दिक्कत थी। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में साइनाइड आइसोसाइनाइड में उचित स्थानों पर संदर्भ में दिए जाएंगे। डायोजोनियम लवण का विरचन हटा दिए गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, और संश्लेषणात्मक महत्व हटा दिए गए यानी कि एक तरीके से इंपॉर्टेंट। उसके बाद जैव अणु, उसमें से भी बहुत सारे एंजाइम हार्मोन ये सब तो हटा ही दिए तो पता नहीं बचा क्या है, विटामिन वर्गीकरण सब हटा दिए। उसके बाद बहुलक में क्या क्या हटाए हैं, बहुलक में पूरा अध्याय ही हटा दिए, वाह। तो बहुलक में इन्होंने बहुलक चैप्टर हटा दिया, और क्या दैनिक जीवन में रसायन महत्व ये भी हटा दिया, यानी दो चैप्टर इन्होंने हटा दिया। तो ये सब चीज़ें इन्होंने हटा दी, तो बची कितने चैप्टर वो बस एक बार देख लेते। टोटल हमारे पास इस साल 13 चैप्टर है यूपी बोर्ड के स्टूडेंट को पढ़ने के लिए, जो कि ये सब आपके सामने है। अब इसमें कौन कौन सा चैप्टर नहीं है, मेटलर्जी हट गया है पूरा, अच्छी बात है, रटना बहुत था उसमें, बहुत रिएक्शन वहीं से डायरेक्ट आती थी। और क्या क्या हट गया है, 14-15 और वही लास्ट का जो दिखाया था, ये दोनों चैप्टर बहुलक और दैनिक जीवन रसायन, तो ये सारे चैप्टर्स हट गए। तो ये सब, ये तो बात हुई केमिस्ट्री की, इसकी भी ब्रीफ सिलेबस आ जाएगी कुछ दिन में। और इसके बाद बात करते हैं मैथ्स। अब मैथ्स के सिलेबस की बात करें तो बात कुछ ऐसी है कि बहुत कोशिश की गई थी इसको खोजने की और मिला तो नहीं हमें अभी तक, तो शायद उन लोगों का मूड हो कि मैथ उतना ही रहने देते, ऐसे ही छोटा सा है, इस साल इतने सारे फेल हुए नहीं तो फेल कैसे होंगे, सब सिलेबस घट जाएगा। तो मैथ का तो अभी तक इन्होंने सिलेबस अपडेट ही नहीं किया पूरे PDF में, हमें तो कहीं नहीं मिला, अगर आपको कहीं मिला हो तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी यही था, मैथ का इन्होंने दिया नहीं और कहाँ ये भी किसी को पता नहीं, 11th वाले में दिया इन्होंने लेकिन 12th वाले में दिया ही नहीं, पता नहीं क्या किए इन्होंने, क्या करते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही सैनिटाइज़र का नशा हो गया, सैनिटाइज़र से हाथ धुल धुल के कि दिया ही नहीं। तो बस यही सिलेबस घटा है आपका, अगर आपको और किस सब्जेक्ट का जानना तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता देंगे, या फिर आप खुद भी देख सकते हैं। और जो जो पाँचों की अगर मैथ्स का आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा, बाकी इस सबकी ब्रीफ में सिलेबस कुछ दिन में आ जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जहाँ भी है सेफ रहिए, खुश रहिए और मज़े में रहिए।